राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, आज का हमारा वीडियो का नया टॉपिक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन द बुक। यानी यहाँ पर हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक का इन डिटेल सब कुछ देखेंगे। बुक प्रिंट होने से पहले या फिर लिखने से पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके कितने एडिशंस है, किसने पब्लिश की, वगैरह वगैरह। यानी कि इसके टोटल इस टॉपिक के 7-8 डिविजन्स है, जिसमें सबसे पहले डिवीजन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर प्रीडेसर्स या फिर प्रीकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, यानी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक है उसके प्रीकर्सर्स वो लिखी गई, उससे पहले वो जो इन्फॉर्मेशंस है वो हमें कहाँ पर मिलती थी, या फिर हैनेमन सर जो है अपने थॉट्स कहाँ पर शो करते थे, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनन। फिर स्टाइल ऑफ राइटिंग, एफोरिजम्स और फुटनोट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जहाँ पर डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्ट, टाइटल और इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखेंगे। फिर एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसके बारे में शॉर्ट नोट्स आती है, तो सारे एडिशंस, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स एडिशन और सेकेंड एडिशन में ऑर्डर्स अपीयर, ये सब कुछ एडिशंस में देखेंगे। फिर इसके बाद एक रिवीजन वीडियो, जिसमें डिफरेंट एडिशन का रैपिड रिवीजन चार्ट, और फिर लास्ट में डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन। तो इतना हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो ऑर्गेनन द बुक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आफ्टर डिस्क्लोजिंग होम्योपैथी विथ फर्स्ट एसे ऑन होम्योपैथी एंड एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, हैनेमन एक्सटेंसिवली एक्सपेरिमेंटेड विद हिज न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वर्ड बाई वर्ड, लाइन टू लाइन, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे और याद करते जाएंगे। तो हैनेमन सर ने सबसे पहले होम्योपैथी को डिस्क्लोज किया था, यानी होम्योपैथी के बारे में जब सर ने जाना था, तब सबसे पहले अपने जो थॉट्स थे उन्होंने एक ऐसे के थ्रू पब्लिश किए थे यूफ्लेन जर्नल में 1796 में, जिसका टाइटल था एन ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग। ये ऐसे लिखने के बाद हैनेमन सर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि इनमें और क्या वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो हैनेमन सर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि उनकी ये जो न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें वो और क्या इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते थे, जिसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। फिर बाय द ईयर 1810 हैनेमन सर गॉट कन्विंस्ड दैट हिज एक्सपेरिमेंट्स विद द ड्रग एंड देयर क्यूरेटिव इफेक्ट्स ऑन पेशेंट गेव फ्रूटफुल रिजल्ट्स। यानी 1810 तक उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे वो खुद कन्विंस हो चुके थे कि अब ये जो सिस्टम है, ये जो टेक्निक है मेडिसिन देने की, उस और ये लॉ ऑफ सिमिलिया को एम्प्लॉय करने की, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये जो ड्रग्स है और उसकी क्यूरेटिव इफेक्ट्स है वो पेशेंट पर फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है, यानी कि अच्छे रिजल्ट दे रही है, जिससे पेशेंट को क्योर मिल रहा है। सो एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन। आफ्टर डिस्क्लोजिंग होम्योपैथी विद द फर्स्ट एसे ऑन होम्योपैथी एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, हैनेमन सर गॉट एक्सटेंसिवली एक्सपेरिमेंटेड विथ हिज न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बाय द ईयर 1810 हैनेमन सर गॉट कन्विंस्ड दैट हिज एक्सपेरिमेंट विद द ड्रग एंड देयर क्यूरेटिव इफेक्ट्स ऑन पेशेंट गेव फ्रूटफुल रिजल्ट्स। So to guide properly and communicate, communicate about homeopathic practice to his fellow physicians, he wrote a scientific treatise. इसीलिए हैनेमन सर ने जो भी इंफॉर्मेशन गेन की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उससे फेलो फिजिशियंस को, यानी उसके बाद आने वाले फिजिशियंस को अच्छे से गाइड करने के लिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए कि होम्योपैथी प्रैक्टिस क्या है, उसको कैसे करें, उसके बारे में सब कुछ इन डिटेल में लिखने के लिए उन्होंने एक साइंटिफिक टेरेटाइज को, यानी कि टेरेटाइज यानी कि एक बुक को लिखा, साइंटिफिक बुक को, जिसमें हैनेमन सर हैड रिटन हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन फॉर हिज एंटायर मेडिकल फैटर्निटी ऑफ हिज टाइम। यानी कि हैनेमन सर ने सबसे पहला एडिशन ऑर्गेनन का लिखा उस समय की एंटायर मेडिकल फैटर्निटी के लिए। फैटर्निटी यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका वर्क ऑन इंटरेस्ट सेम हो। The intentions of this book was to prove that the only curative method in this world is law of similia. जो intention था ये book लिखने के पीछे का, वो एकमात्र इतना ही था कि जो prove करना चाहते थे कि एकमात्र, मतलब सिर्फ एक ही ऐसी technique है,
एक मेथड एम्प्लॉय करने की जिससे पेशेंट को क्योर मिल सके, और क्यूरेटिव मेथड है जिसका एंड रिजल्ट क्योर हो, वैसी होम्योपैथी जिसमें हम लॉ ऑफ सिमिलिया को एम्प्लॉय करते हैं। सो टू गाइड प्रॉपरली एंड कम्युनिकेट अबाउट होम्योपैथिक प्रैक्टिस टू हिज फेलो फिजिशियंस, ही रॉट अ साइंटिफिक ट्रीटीज। हैनेमन सर हैड रिटन हिज फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन फॉर एंटायर मेडिकल फैटर्निटी, दैट इज ग्रुप वो हैज सेम वर्क ऑन इंटरेस्ट ऑफ हीज टाइम। द इंटेंशन ऑफ दिस बुक वॉज टू प्रूव दैट द ओनली क्यूरेटिव मेथड इन द वर्ल्ड इज लॉ ऑफ सिमिलिया। नाउ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक टीचर्स द आर्टिस्टिक टेक्निक्स ऑफ एम्प्लॉइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया टू द फिजिशियंस हु इज ऑलरेडी ट्रेंड इन साइंटिफिक मेडिसिन। यानी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया को ऐसे फिजिशियंस जिसको थोड़ी बहुत ऑलरेडी नॉलेज है साइंटिफिक मेडिसिन की, जो ऑलरेडी ट्रेंड है साइंटिफिक मेडिसिन के फील्ड में, वो आर्टिस्टिक टेक्निक की वे में कैसे लॉ ऑफ सिमिलिया को एम्प्लॉय कर सके इन ऑर्डर टू अचीव हिज हाइएस्ट मिशन, यानी कि हाई मिशन यानी कि क्योर तक ले जाने का जो मिशन है फिजिशियन का, वो अचीव करने के लिए द फिजिशियन मस्ट एक्वायर द नॉलेज ऑफ एसेसरी मेडिकल साइंस अलॉन्ग विद द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो अगर फिजिशियन को क्योर तक पहुंचना है, पेशेंट की कंडीशंस को क्योर तक ले जाना है, तो उसके पास एसेसरी मेडिकल साइंस के नॉलेज के साथ साथ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फिर से एक बार रीड, ऑर्गेनन टीचर्स द आर्टिस्टिक टेक्निक्स ऑफ एम्प्लॉइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया टू द फिजिशियंस हु इज ऑलरेडी ट्रेंड इन साइंटिफिक मेडिसिन इन ऑर्डर टू अचीव हिज मिशन द फिजिशियन मस्ट एक्वायर द नॉलेज ऑफ एसेसरी मेडिकल साइंस अलॉन्ग विद द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सो यहाँ तक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन खत्म हुआ, अब हम प्रीडेसर्स या फिर प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।